शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे, इसका फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत थोड़ी देर में कर देगी। दरअसल ईडी इस मामले में पहले गिरफ्तारी कर चुकी थी, तो ईडी मामले में तो उनको राहत जरूर मिल गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सीबीआई उनकी जो उन्होंने अपील कर रखी है उसका विरोध कर रही है और सीबीआई ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, लेकिन वहीं दूसरी ओर केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर भी आना चाहते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में पार्टी को लेकर भी कई बातें उनकी ओर से तैयारी को लेकर भी कई बातें कोर्ट में कही गई हैं। वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की ये कोशिश है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ की जा सके, और अभी भी सीबीआई का ये मानना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खुलासा अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं किया गया है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे और वो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बताते रहे हैं। ऐसे में आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें आपको कि एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाना है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कई दलीलें कोर्ट में दी हैं और पूरी तरह से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की ये कोशिश है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की जा सके और ज्यादा, जिससे और खुलासे हो सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सहयोग अब तक उनकी ओर से नहीं किया गया है। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारिश सुप्रीम फैसले की है, जिस पर ना सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट जहां से जुड़ रही हमारी सहयोगी सुजाता। सुजाता, अरविंद केजरीवाल को पहले हाई कोर्ट से झटका मिला, राहत नहीं मिली, नजरें और उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई है, लेकिन इस बार भी सीबीआई का जो ग्राउंड है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों को लेकर कि वो मजबूत है, ऐसे में राहत मिलने की कितनी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को आज? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं आज के लिए, और फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपडेट यह है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, और आपको बता दें कि सीबीआई मामले में ये जो सुनवाई है वो हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पिछले यानी 5 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल तर्क ये दिए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 3 बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, ट्रायल कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक से 3 बार जमानत मिल गया। एक बार वो 21 दिन के लिए 3 हफ्तों के लिए बाहर आए थे चुनाव के दौरान, लेकिन 2 मामलों में वो उनको जमानत तो मिली, लेकिन वो अलग अलग कारणों से जेल से बाहर नहीं निकल पाए। और अब फिलहाल आपको बता दें कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी, उसके बाद से भी वो जेल में ही रहे, क्योंकि सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर चुकी थी और सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ग्राउंड ये है कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी
के मामले में जिसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है जमानत पाना, उसमें अगर अंतरिम जमानत मिल सकती है तो सीबीआई उनको जमानत क्यों नहीं दे सकती। इसके अलावा सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया उस मामले को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से जिस दिन अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत मिली थी ईडी के केस में, उसी दौरान तिहाड़ जेल में रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अगले दिन जो उनकी कार्रवाई थी, उनकी रिहाई की, जमानत की, वो सारी चीजें कागजी कार्रवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो सीबीआई के मामले में कस्टडी में है। तो ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने जैसी कोई गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आती है, और क्योंकि उन्हें इसी केस में शराब, कथित शराब घोटाले के मामले में ही ईडी के मामले में भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो सीबीआई के मामले में भी जमानत मिलनी चाहिए। दो मामले हैं, पहला तो अवैध गिरफ्तारी बताई गई है कि जिस तरह से उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया वो गलत तरीका है, दूसरा जमानत मांगी गई है। दोनों ही मामलों के दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, हमें देखना होगा कि क्या फैसला आता है, और जो फैसला आता है क्या दोनों ही जज एक ही तरह का फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर यह भी है, देखिए मामला उतना सीधा नहीं है, अगर दोनों ही जज आम सहमति से कोई भी एक फैसला देते हैं तब तो ठीक, वरना ये मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर एक जज कहते हैं कि जमानत मिल सकती है, दूसरे जज कहते हैं कि नहीं मिल सकती है, तो फिर हमें देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं, क्या गिरफ्तारी की अवैध तरीके से हुई, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत देनी चाहिए, क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उनको ट्रायल कोर्ट फिर से जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक हुई, यानी जो चैलेंज किया गया है उनकी गिरफ्तारी को, सीबीआई जिस तरह से उनके गिरफ्तार किया गया वो कोर्ट मानता है कि वो सही तरीका है, उसमें कुछ भी अवैध नहीं है। अब आपको बता रही कि जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं, पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ईडी की हिरासत में वो थे और इसी दौरान उन्हें 20 जून की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था तिहाड़ जेल से। हमने पाया है कि सीबीआई ने अपने आवेदन में कारण बताए हैं, क्या ऐसा करना जरूरी लगा, धारा 41A का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। दरअसल इसी धारा के तहत 41A के तहत ही उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, यानी उन्हें कोई पहले नोटिस सब नहीं किया गया, कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई की तरफ से। तो अब जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वो पहले से ही हिरासत में थे तो हम नहीं मानते कि इस धारा का कोई उल्लंघन हुआ है, यानी गिरफ्तारी का जो तरीका है वो सही है, वो अवैध नहीं है। तो एक मामला जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि निपट गया है कि गिरफ्तारी अवैध रही है, लेकिन क्या जमानत मिल सकती है, अब हमें इस बात का इंतजार करना होगा। और अपडेट लगातार आ रही है, क्या जमानत मिल सकती है, इस पर क्या कहती है अदालत, क्या कहते हैं जस्टिस, हमें इसका इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये दो तरह के केस हैं, गिरफ्तारी अवैध है ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके वकील, और दूसरा हमें जमानत दे दीजिए, तो गिरफ्तारी अवैध नहीं मानते। और ये जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जो कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं, क्या जस्टिस उज्जवल भुइया भी यही मानते हैं, ये भी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि दो जजों की ये बेंच है और दोनों के फैसले अपने अपने हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इससे पहले आपको याद दिला दें कि जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में अंतरिम जमानत दी थी तब भी ये कहा था कि गिरफ्तारी किस तरह से हुई है इसके लिए बड़ी बेंच का रुख किया जा सकता है, हालांकि क्योंकि सीबीआई के मामले में राहत नहीं मिली है इसलिए सीबीआई के मामले में कोई फैसला आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, और क्योंकि हरियाणा चुनाव भी है ऐसे में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ये जमानत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़ा चेहरा है, अगर कोई वोटर वोट देता है आम आदमी पार्टी को तो उसके सामने सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा रहता है, तो हरियाणा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अदालत का फैसला सबूतों के आधार पर होता है, फैक्ट्स के आधार पर होता है, और अब यहाँ जो सुनवाई है वो चल रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी तक की अपडेट है उसके तहत गिरफ्तारी अवैध नहीं है, जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि जो तरीका है जिस तरह का किया गया है वो बिल्कुल सही था, ये हम आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी अवैध नहीं है, कोई जिस तरह की चुनौती दी गई धारा 41A के तहत वो गलत नहीं है। आपको बता दें कि किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई और उम्मीद क्यों है, क्योंकि इस मामले में जो मुख्य किरदार है चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर के कविता हो, वो सब जमानत पर छूट चुके हैं, और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से देखिए, तो यही मामला है कि जो मुख्य किरदार है चाहे वो विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, ज्यादातर बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल को जमानत मिल गई है क्या, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केजरीवाल को जमानत मिली, केजरीवाल को बड़ी राहत,
जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है। आपको बता दें इससे पहले ईडी वाले मामले में जमानत मिली थी, और आपको बता दें शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुजाता बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे, ईडी केस में पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें दर्शकों को, केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है, केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी है सीबीआई के केस में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले आपको याद दिला दें कि किस तरह से उन्हें राहत मिली थी, 10 मई को पहली बार उन्हें जमानत मिली थी, उनको चुनाव में प्रचार करने के लिए 2 जून को वो वापस जेल चले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर वो लगातार जेल में है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के केस में जमानत दी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए अलग अलग कारणों से। ट्रायल कोर्ट की जमानत के बाद सीबीआई ने उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो सीबीआई की कस्टडी में थे। ईडी में भी अंतरिम जमानत मिली, लेकिन सीबीआई केस में जमानत नहीं मिली थी। और अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है सीबीआई के केस में भी, हालांकि जो गिरफ्तारी हुई उसे अवैध नहीं माना है, उसे वैध माना है, लेकिन फिर भी जमानत दी है, क्योंकि बार बार अदालतें ये कहती हैं कि जमानत नियम है और एक्सेप्शन होता है जेल में रखना, जमानत तो नियम है, और उसी नियम के तहत अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कथित शराब घोटाले के मामले में जो अहम किरदार है विजय नायर से इसकी शुरुआत होती है, विजय नायर के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको जमानत मिल चुकी है, और अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है। 21 मार्च को नौ नोटिस के बाद 21 मार्च इसी साल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले के मामले में, और अब ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि हरियाणा में चुनाव है, और हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का बाहर आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए भी, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही थी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया, और अब बड़ी राहत है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे, वो बाहर आ पाएंगे। और एक तरह से जब एक एक पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा बाहर आ जाता है तो लोगों में भी भरोसा होता है। अगर वो जेल में ही रहते तो शायद लोगों को ये लगता कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर होगा क्या, क्योंकि उनके सबसे बड़े लीडर जेल में हैं, पता नहीं पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो बहुत सारे परिणाम जो हैं दूरगामी परिणाम इस आज के नतीजे के होंगे जो न्यायालय की तरफ से आया है। बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए भी, लेकिन ट्रायल चलता रहेगा क्योंकि अवैध नहीं है जिस तरह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सुजाता अंतरिम जमानत किन शर्तों के साथ जमानत मिली है ये भी आप दर्शकों को बताइए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूं। शर्तों के साथ जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को ये भी बताइए, क्योंकि 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, इस तरह की बात भी कही गई है। जी देखिए शर्तें वही है सबसे पहले, जिस तरह की शर्तें पहले लगाई गई थी, क्योंकि जो जाहिर तौर पर देश से बाहर वो नहीं जा सकते हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, तो पहले ये कहा गया था कि भाई वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, वो इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो उनके कहीं गायब हो जाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कंडीशन जो है अभी और डिटेल में हमारे सामने आएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी कंडीशन नहीं बताई गई हैं, धीरे धीरे जो है वो जानकारियां सामने आएगी। और अब हम आपको फिलहाल ये बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अरविंद केजरीवाल अब शराब घोटाले के मामले में ईडी के केस और सीबीआई के केस दोनों में ही जमानत पा चुके हैं, और संभवतः आज ही वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी समय अभी सुबह ही है, तो सारी जो कार्रवाइयां हैं वो पूरी हो जाएंगी, और आज शाम तक और लेटेस्ट रात तक जो